दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेरी सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल उमा शंकर जी का है, सर कैन वी मेक ड्रम स्टिक बोनसाई? देखिए, ड्रम स्टिक को आप बोनसाई बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो ब्रांच होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, कच्ची होती है। अगर आप उस पर अगर वायरिंग करेंगे तो वो टूट जाएगी, तो आप उस पर क्लिप एंड ग्रो वाला मेथड है वो ट्राई कर सकते हैं। इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज होती है लेकिन ये टूट जल्दी जाता है। अगर आप बोनसाई शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा होगा आप फाइकस से स्टार्ट करें, फाइकस का जो प्लांट है वो अच्छा है स्टार्टिंग के लिए। अहमद अली जी कहते हैं कि गुलाब को किस मंथ में ग्राफ्ट करना चाहिए? देखिए, ग्राफ्टिंग का वैसे तो जो फरवरी है वो मंथ अच्छा माना जाता है क्योंकि उस मंथ में हर प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती है, लेकिन अगर आपके गुलाब पे जो बर्ड्स है वो आने स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि प्लांट आपका ग्रोथ पे है, तो आप इस सीजन में भी कर सकते हैं, अक्टूबर में भी। तेज हीट वाली गर्मी के अंदर जो ग्राफ्टिंग है वो ना करें तो अच्छा होगा। हसीम जी कहते हैं, जिस भी तरीके से मैंने पुदीना लगाया वो सूख जाता है, गल जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, पुदीना का अगर आप लगाते हैं मॉइस्चराइजिंग उसको मिलती रहे, लेकिन ये ना हो कि पौधे के अंदर पानी खड़ा रहे, अगर खड़ा रहेगा तो वो गल जाएगा, प्लांट आपका मर जाएगा। अगर आप पॉट में ग्रो करते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग बनी रहे, ऐसा सॉइल ऐड कीजिए। उसके लिए आप जो पीट मॉस है वो या कोकोपीट जो है वो सॉइल के अंदर ऐड कर लें। और जब हम पॉट में रखते हैं और जो प्लांट है वो आपका अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है और आपने जो वाटरिंग है वो उसमें कम की है तो भी जो आपका प्लांट है वो ड्राई हो सकता है, यानी कि उसके अंदर नमी आप जरूर बना के रखें पौधे के अंदर। गुरप्रीत जी कहते हैं, सर मेरे पैंसी के सीड्स 15 दिन से ग्रो नहीं हो रहे, क्या करूं? गुरप्रीत जी, आपने जो सोयल है वो कैसा ऐड किया था और सीडलिंग वो आपने कहाँ रखी थी? देखिए, आप कुछ दिन और वेट कीजिए, अगर वो ग्रो नहीं होते तो आप एक बार उसका जो सीड्स है वो चेक कर सकते हैं कहीं ख़राब तो नहीं हो गए। अगर आपने सोयल के अंदर वाटरिंग नहीं की होगी तो भी सीड्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में वाटरिंग कर दी सीडलिंग के अंदर, तो उसके सीड्स हल्के से जब जर्मिनेट होते हैं उसके बाद अगर आपने वाटरिंग नहीं की तो सीडलिंग जब हल्की सी जो जर्मिनेट होती है वो ड्राई हो जाएगी और उसके बाद जो सीड्स हैं दोबारा नहीं ग्रो करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप या तो मुझे आपके जो सीडलिंग जो आपने की थी उस पॉट की फोटो दिखा दीजिए ताकि आपके सोयल का मुझे पता चले कैसा सोयल है और क्या लोकेशन पे आपने उसको रखा हुआ है। सपना जैन जी कहते हैं, मेरा मोगरा का प्लांट पर जाला जैसा आ गया है और लीफ सब खराब हो रहे हैं, उसे जड़ से निकाल दूं या ऊपर का पोर्शन निकाल दूं? देखिए, अगर आपके प्लांट पे जो जाला है वो काफ़ी ज़्यादा लग गया है तो आप क्या कीजिए, ऊपर की जो ब्रांच है जहाँ पे जाला ज़्यादा फैल गया है उन ब्रांचों को सिर्फ रिमूव कर दीजिए और नीचे की ब्रांचें जहाँ पे अच्छी है उनको मत रिमूव कीजिए। ये रिमूव करने के बाद भी आप उसके अंदर जो है इंसेक्टसाइड स्प्रे ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मकड़ियाँ जो होती है इनकी वजह से जो जाले बनते हैं, तो आप ऊपर का पोर्शन अगर निकाल देंगे तो हो सकता है जो मकड़ी है वो नीचे चली जाए, तो उस पर जो स्प्रे है वो भी जरूर कीजिए। उमंग गुप्ता जी कहते हैं, सर जी मेरे पास दो गुड़ैल के प्लांट्स हैं, दो हाइब्रिड दो देसी, दो देसी हिबिस्कस पर फ्लोवर आ रहे हैं और अच्छी ग्रोथ है पर पत्ते येलो हो गए हैं और हाइब्रिड पर फ्लोवर नहीं आ रहे। देखिए, अगर फ्लोवरिंग अच्छे से हो रही है और ग्रोथ भी अच्छी हो रही है तो उसके अंदर जो लीफ अगर उसके येलो हो रहे हैं तो आप ये देखिए, कुछ मेच्योर जो लीव्स हो जाते हैं हिबिस्कस में वो येलो होकर गिरते हैं, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे कि आपने बताया आपका प्लांट अच्छे से ग्रो भी कर रहा है और फ्लोवरिंग भी कर रहा है, तो हो सकता है जो आपके जो लीव्स जो कुछ गिर रहे हैं वो मिच्योर हो, सभी येलो होने लग रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आप जो वाटरिंग सिस्टम है वो चेक कीजिए और आपके जो हाइब्रिड पे अगर फ्लोवरिंग नहीं आ रही है तो उसके अंदर जो आप फर्टिलाइजर है वो यूज़ कीजिए। पूजा जी कहते हैं, सर बेला का प्लांट के प्रूनिंग अभी कर सकते हैं क्या? देखिए, बेला मैं समझा नहीं, बेला आप बेल को कह रहे हैं तो बेल की प्रूनिंग कौन सी बेल की आप बात कर रहे हैं? अंगूर की जो बेल है अगर उसकी प्रूनिंग करना चाहते हैं तो आप फरवरी में कीजिए। अगर आप बेल पत्र की बात कर रहे हैं तो उसकी पूर्णिंग की जरूरत नहीं है, उस पर अभी फिलहाल जो फ्रूटिंग है वो आ रही होगी। शीला जी कहते हैं, नींबू में फूल भी कम है और फल भी कम लगता है, आप उसको फर्टिलाइज के साथ साथ जो गोबर खाद है वो भी दीजिए। और इसके अंदर क्या है, अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो उसको आप एक साल बाद उसको अगर रिपोर्ट कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर रूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप उसकी जो फाइबर रूट्स हैं उसको पुन कर दें अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो, क्योंकि ज़मीन में जो लगे होते हैं प्लांट उनको भी सीजन वाइज जो है उनकी जो फाइबर रूट्स होती है ज़्यादा वो निकाल दी जाती है।
जिनको यहाँ जाला निकालना बोलते हैं। महेंद्र कुमार जी कहते हैं, विजय जी मैंने अंगूर की बेल में एनपीके यूज 20 दिन पहले किया, उसकी लंबाई नहीं बढ़ी। महेंद्र जी 20 दिन ज्यादा नहीं है, अभी आपने एक बार उसको यूज किया है, तो आप रेगुलरली उसको यूज कीजिए, हर 20 दिन बाद उसको यूज कीजिए, तो उसकी जो ग्रोथ है वो होगी। और वैसे भी जो आगे का सीजन अब आएगा उसमें जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, उसके बाद जो फरवरी का मंथ आएगा तब उसकी जो ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन अभी आपके पास जो अक्टूबर नवंबर का मंथ है, इसमें आप इसको एनपीके जो है अच्छे से देते रहिए, और फरवरी के अंदर दोबारा से इसको जो है इसकी प्रूनिंग कीजिए और दोबारा से इसमें एनपीके स्टार्ट कीजिए, तो आपके जो बेल है वो अच्छे से बढ़ेगी भी और उस पर जो फ्रूटिंग है वो भी अच्छी आएगी। तमल विश्वास जी कहते हैं, एक रेडी पॉट में जिसमें ट्री है उसमें गोबर की खाद ऐड कर दूं क्या, पॉट के ऊपर मैं डाल सकता हूं क्या? तमल जी, अगर पहले से आपके ट्री लगा हुआ है पॉट के अंदर तो आप उसमें गोबर खाद ऐड कर सकते हैं। इस सीजन में अच्छा गोबर खाद जो अच्छे से तैयार हो चुका हो, यानी कि कच्चा ना हो, खाद पूरा तैयार हो, वो आप ले लें और उसके अंदर जो पॉट है उसके अंदर इसको चारों तरफ डाल दें सोइल में। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो आपकी ट्री है या जो प्लांट है उसके बिल्कुल स्टेम के नज़दीक ना डालें, स्टेम के नज़दीक से अगर आप पॉट के अंदर है तो फिंगर जितना फासला छोड़कर सिर्फ किनारी जो होती है, जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है, आप वो देख सकते हैं वीडियो, जैसे मैंने एनपीके यूज़ किया था उसी तरीके से आप जो है सोइल के अंदर जो गोबर खाद है वो चारों साइड जो है थोड़ी सी खुदाई गुड़ाई करके उसकी और उसके अंदर मिक्स कर दें सोइल के अंदर और फिर उसमें वाटरिंग कर दें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। हारू जी कहते हैं, सर मैंने आम के सीड से पौधा उगाया था, पौधा 4 मंथ का हो गया है बट उसके पत्ते जल गए हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? और लेमन को सीड से लगाया था, ये पौधा 5 मंथ का हो गया है, सर क्या मैं इसको रिपोर्ट कर सकती हूँ? देखिए, जो आम का पौधा है इसके जलने के, एक तो तेज धूप के कारण भी इसके जो ऊपर के पत्ते एक बार जल जाते हैं, नंबर दो इसकी पत्तियों पर जो एक इंसेक्ट होता है थ्रिप्स वो लग जाती है, वो क्या है धीरे धीरे आपने देखा होगा जो पत्तियां हैं वो ब्राउन कलर की पहले स्टार्ट होती है और धीरे धीरे वो पूरी ब्राउन हो जाती है, इस तरह से जो पत्तियां ऊपर की सूखती चली जाती है तो आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे सूखने लगता है। तो एक तो इसका ये कारण हो सकता है, और एक तेज हीट हो और आपके सोइल में जो नमी है वो कम हो तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं आपके प्लांट में। अगर आपका प्लांट पूरा अभी नहीं जला है तो जो ड्राई हिस्सा है उसको आप कट कर दीजिए तो वो दोबारा से ग्रो कर जाएगा। जो आपका लेमन का प्लांट है जिसको 5 मंथ हो गए हैं आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। शायद कल का जो मेरा वीडियो है वो लेमन की रिपोर्टिंग पे आएगा, जो मैंने सीडलिंग की थी लेमन की उसको मैंने भी रिपोर्ट किया है कल ही, तो उसकी जो वीडियो है वो शायद मैं कल आपको दिखा दूंगा। शैजल जी कहते हैं, कैन यू प्लीज मेक ए वीडियो हाउ टू टेक केयर ऑफ ड्रैगन विंग्स बेगोनिया। शैजल जी, मैं ट्राई करूंगा कि ये वीडियो भी मैं जल्द बनाऊं। नागोरी फार्म कहते हैं, हेलो सर, कौन कौन से ट्री को पॉट में लगा सकते हैं? देखिए, पॉट में अगर आप ट्री लगाना चाहते हैं तो मोस्टली आप सभी जो ट्री है वो लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसकी केयर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो बड़े ट्री अगर आप छोटे पॉट में लगाएंगे तो उसकी जो केयर है वो ज़्यादा हो जाती है, और जो नॉर्मल हमारे प्लांट होते हैं हाउस प्लांट उनकी केयर कम होती है। अगर बड़ा ट्री होता है तो उसके लिए बड़ा पॉट लें, छोटे ट्री होते हैं तो छोटा पॉट लें। जैसे कि बोनसाई है, अगर आप बोनसाई बनाते हैं तो ज़्यादा बड़े पॉट की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप उसके अंदर अगर फ्रूटिंग वगैरह चाहते हैं और बड़ा ट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बड़ा पॉट या जो ड्रम वगैरह है ये ले सकते हैं, और उसको टाइम टू टाइम रिपोर्ट कर दें, उसकी जो प्रूनिंग है वो कर दें, रूट प्रूनिंग है वो भी कर दें। स्वामी पुष्पेंद्र जी कहते हैं, विजय सैनी जी राम राम, अवाकोडा का प्लांट एक पेड़ के रूप में होता है या क्रीपर के रूप में, कृपया बताएं इसे किस मौसम में कैसे तरीके से उगाया जाए? देखिए, अवाकोडा का जो प्लांट है वो पेड़ बनता है और उसका जो फ्रूट है उसके फ्रूट के अंदर सीड निकलता है, उसको बहुत ही ईजिली आप ग्रो कर सकते हैं। उसका जो मेथड है वो ये है कि उसके जो फ्रूट का आप सीड लें और उसके सीड को आप जो टूथपिक होती है उससे टूथपिक उसके दोनों साइड लगा दें और उसको एक गिलास पानी का भर के उसके अंदर रख दें। टूथपिक के सारे जो आपकी जो फ्रूट का जो सीड है वो आधा पानी में डूब जाए और आधा बाहर रहे, तो ऐसे जो पानी से गया है मॉइस्चराइजिंग लेता रहेगा और जो जर्मिनेशन है उसकी वहीं पे हो जाएगी। जब वो जर्मिनेट हो जाए उसके बाद आप उसको पॉट में लगा दें। अब्दुल जी कहते हैं, सर मेरे लेमन प्लांट में लेमन नहीं आ रही। देखिए, आपने अगर लेमन कुछ ही दिन पहले लगाया है तो उस पर लेमन नहीं आएगा, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो लेमन ट्री है वो कितनी साल का है, पॉट में लगाया है या जमीन में लगाया है, धूप में रखा है या इंडोर रखा है, तो ये चीज़ें भी आप बताएं ताकि मैं आपको बता सकूं। आशु गांधी जी कहते हैं, मेरी तुलसी प्लांट पॉट में तो हो जाते हैं बट तुलसी क्यारी में सूख जाते हैं। आप क्यारी के अंदर तुलसी लगाते हैं तो
तो पानी का ध्यान रखिए कि उसमें रेगुलर वाटरिंग करें, क्योंकि इसमें अगर वाटरिंग नहीं होगी, सोइल कंप्लीट ड्राई हो जाएगा, तो जो इसकी रूट्स है वो जल्दी, जो अगर ड्राई सोइल के अंदर इसकी रूट्स आएगी तो प्लांट जो है वो सूख जाता है। तो आप उसको वाटरिंग अच्छे से करें तो क्यारी में अच्छे से होगी। एक बार आपकी क्यारी में अगर इस तुलसी का प्लांट चल गया तो आपकी जो पॉट है उससे भी अच्छा होगा और इसकी जो थिकनेस है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपको सिर्फ जो तुलसी का प्लांट है उसको सर्दियों में और तेज हीट से बचाना होगा, बाकी टाइम पे आपका जो तुलसी का प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। अंकित जायसवाल जी कहते हैं, भाई डहलिया के सीड्स इस मंथ में लगा सकते हैं क्या? अंकित जायसवाल जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने शायद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो शायद आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ता, क्योंकि मैं डहलिया के ऊपर काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ, 2-3 वीडियो। जब मैं डहलिया के सीड्स मैंने बाय किए थे उसका वीडियो मैंने डाला था, और उसी टाइम पे मैंने बता दिया था कि जिनको डहलिया के सीड्स लगाने हैं वो लगा लें। उसके बाद मैंने डहलिया की जो सीडलिंग है वो जर्मिनेशन हुई थी उसका वीडियो डाला था कि जर्मिनेशन हो चुकी है, और आज जो मैंने डहलिया का जो ट्रांसप्लांट का वीडियो डाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होता तो आपको ये सारे वीडियो का जो मैसेज है वो मिल जाता और आपको सभी इन्फॉर्मेशन तभी मिल जाती, तो आज आपके पास भी जो डहलिया के प्लांट्स तैयार होते। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो नीचे रेड कलर का जो बटन है इसको सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए, और साथ में जो घंटी का आइकन है, आपको एक बेल का आइकन दिख रहा होगा, वो दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसका मैसेज आ जाए। उसके बाद आप पे डिपेंड है, आप वो वीडियो देखते हैं या नहीं, लेकिन उसका टाइटल के हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि आज किस टॉपिक पे वीडियो है। और अंकित जी, डहलिया की जो सीडलिंग का टाइम है वो वैसे जा चुका है, लेकिन आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, थोड़ा लेट इसमें फ्लावरिंग आएगी बट जो प्लांट है वो आपका लग जाएगा। आकाश जी कहते हैं, क्या अक्टूबर में रिपोर्ट कर सकते हैं अडेनियम को? हाँ जी, आप अडेनियम को अक्टूबर में रिपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, इस सीजन में अडेनियम को ज्यादा पानी ना दें। समीर जी कहते हैं, गेंदे के पौधे को दिन में कितनी बार पानी देना पड़ता है? देखिए, गेंदे का जो पौधा है वो अगर सर्दियों का सीजन वाले की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप जो लगे हुए हैं, तो उसमें आपको दिन में पानी देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार दिन में पानी दे दीजिए, उसके बाद जब सोइल हल्का सा ड्राई होने लगे तभी दीजिए, यानी कि सोइल के अंदर नमी जरूर बना के रखिए, कंप्लीट ड्राई मत कीजिए। कंप्लीट ड्राई करेंगे तो जो प्लांट है वो मुरझाने लगेगा। पंकज सिंह जी कहते हैं, हम बीज लगाएं वे बढ़ नहीं रहे, क्या करें? पंकज जी, इसमें काफ़ी कारण हो सकते हैं। आपने पूरी डिटेल नहीं बताई कि कौन से बीज थे, कहाँ पे लगाए थे, तो ये आप पूरी डिटेल मुझे बताएं ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। अगर आपके प्लांट, आपके सीड्स नहीं बढ़ रहे तो उसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। आपके सीड्स की जो क्वालिटी है वो कमज़ोर हो सकती है, आपका जो सोइल है, सोइल मिक्सचर है वो अच्छा नहीं होगा, आपने जो सीड्स चूज किए हैं वो शायद विंटर के ना हो, आपने जो सीडलिंग है वो कहाँ पे रखी है, धूप में रखी है, छाया में रखी है, तो ये काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप अच्छे से पूरी डिटेल बताएं ताकि मैं आपको बता सकूं। जिदान जी कहते हैं, बटरफ्लाई पी प्लांट का बोनसाई बना सकते हैं क्या? अगर हो सके तो प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। जो बेलें होती हैं उसका भी हम बना सकते हैं, लेकिन कुछ बेलें ऐसी होती हैं जो बाद में भी हार्ड नहीं होती, तो उसका आप बोनसाई ट्राई ना करें। जिसका स्टेम बाद में जब वो बड़ी हो जाती है काफ़ी, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है स्टेम जैसे देखने लगता है, तो उसके आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत होगी। तो आप बोनसाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि आप जो फाइकस है उससे स्टार्ट करें। मंजू अग्रवाल जी कहते हैं, विजय जी मैंने बैंगन के प्लांट्स ड्राई होने लगे हैं, टोमेटो प्लांट्स के लीफ कर्ल हो रहे हैं, क्या करूं? तो अगर आपके लीव्स सिर्फ ड्राई होकर गिर रहे हैं और नए लीव्स आ रहे हैं तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन सडनली वो अगर ड्राई होने लगे हैं तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं की होगी। तो आप प्लांट की जो फोटो है वो मुझे दिखा दीजिए, और जो बैंगन के प्लांट है आप उसको नेक्स्ट सीजन के लिए भी उसको रख सकते हैं, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। टोमेटो के प्लांट जो आपके कर्ल हो रहे हैं उसके लिए आप उसमें इंसेक्टसाइड जो है स्प्रे कर दीजिए। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पत्तियां होती है उसका रस को चूसने लगते हैं, जिससे जो लीव्स हैं वो कर्ल हो जाती है। जो नई पत्तियां अगर कर्ल होती है या टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसका एक कारण कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। तो आप जो टोमेटो है आपके, उसके अंदर जो एग सेल और जो बनाना पील है उसका जो फर्टिलाइजर है वो यूज़ कीजिए, तो हो सकता है आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। अमनप्रीत कौर जी कहते हैं, हाउ टू ग्रो स्पाइडर प्लांट सीड्स? देखिए, अभी मेरे पास इसके सीड्स नहीं है, जब सीड्स होंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। मियान जी कहते हैं, सर मैंने आपकी एक वीडियो देखकर रोज कटिंग लगाई थी, कटिंग में शूटिंग भी स्टार्ट हो गई, फिर कुछ दिन बाद लीव्स जो है सूखने लगे, सर ऐसा क्यों हुआ? मेरी कटिंग स्टार्ट होने से पहले बंद क्यों हो गई? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। नंबर एक, अगर आपके जो जब हम गुलाब की कटिंग लगाते हैं तो गुलाब की कटिंग में जो पत्तियाँ आती है स्टार्टिंग में, जो 5-6 पत्तियाँ निकलती है वो सिर्फ पानी की नमी से होती है, यानी कि जो रूट्स हैं वो अभी आपकी कटिंग की नहीं चली होती है, सिर्फ वो नमी से निकलती है। तो वो उसके बाद क्या होता है, आपकी जो कटिंग है उसके एंड पे जो मिट्टी के अंदर होता है
उसके अंदर हो सकता है फंगस लग जाती है। ज़्यादातर यही होता है कि फंगस लग जाती है और फंगस के कारण वो नीचे से सूख जाती है। जब वो नीचे से उसकी जो जहाँ पे रूट सी ग्रो करनी थी वही हिस्सा अगर सूख जाएगा तो ऊपर की पत्तियाँ भी सूख जाएगी। तो आप जो सोइल है उसके अंदर जो फंगिसाइड पाउडर है वो यूज़ किया करें और तेज़ धूप तेज़ हीट के अंदर ना रखें कटिंग को। अनुराग गौतम जी कहते हैं DAP में अलग से पोटाश मिला दिया जाए तो परिणाम NPK जैसा होगा क्या? देखिए DAP में अगर पोटाश मिलाएंगे तो NPK जैसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपको NPK यूज़ करना है तो आप NPK मार्केट से ले सकते हैं। इन दोनों को यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी का अलग अलग काम होता है। VK जोन जी कहते हैं सर मैंने बनियन और मीठे नीम की कटिंग लगाई थी, उस पर नए लीव्स भी आ गए हैं और बड़े भी आ गए बट लीफ गलने लगे है, उसमें फंगस नहीं है, बताइए क्या करूं? देखिए लीव्स जो स्टार्टिंग में आते हैं वो मैंने अभी बताया है, जैसे गुलाब में होता है वैसे ही सभी कटिंग्स में होता है। स्टार्टिंग की जो लीव्स है वो सिर्फ जो नमी होती है सोइल के अंदर उससे आ जाती है और उसके बाद अगर आपकी कटिंग नहीं लगी है तो वो ख़राब हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि उसकी जो रूट्स है वो ग्रो करे, तो रूट्स ग्रो क्यों नहीं करती, ज़्यादातर जो है फंगस जो है कटिंग के जो निचला हिस्सा जो हमारा सोइल में होता है उसमें फंगस लग जाती है। इसके लिए आप सोइल के अंदर जो फंगिसाइड पाउडर है वो यूज़ करें और जो कटिंग है कटिंग के नीचे के हिस्से पे जो या तो आप जो हल्का सा जो शहद है वो यूज़ करें, रूट हार्मोन है तो वो यूज़ करें, या जो दालचीनी पाउडर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमीद राजा कहते हैं सर मैंने अरीका पाम का प्लांट लगाया है उसके पत्ते में छेद हो रहे हैं क्या करूं? देखिए छेद किस तरह से हो रहे हैं, हो सकता है उसमें जो लीफ हीटर है वो, तो अगर वो उसके अंदर है तो आप इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे है वो उसके अंदर कर दीजिए। कुणाल वर्मा जी कहते हैं कच्चे अमरूद के बीज लगा सकते हैं क्या? देखिए कच्चे अमरूद के जो बीज है वो कच्चे होंगे तो वो आप ना लगाएं, जो पका हुआ अमरूद है उसके सीड्स लगाएं। साहिल गुप्ता जी कहते हैं ये कैसे पता करें कि खाद अच्छे से डिकम्पोस्ट हो गई है? देखिए मैंने वीडियो के अंदर ही बताया कि जब खाद जो है उसमें अगर आप फिंगर डालने से आपकी फिंगर जो है उस पर जो खाद है वो चिपकता नहीं है और उसके अंदर जो स्मेल है वो नहीं आती है, तो आपका जो खाद है वो तैयार हो चुका है, वो बिल्कुल जैसे चाय पत्ती होती है हमारी भुरभुरी सी वैसा हो जाएगा। रवि कहते हैं हेलो भाई वाटर जैस्मिन प्लांट की अधिक जानकारी चाहता हूँ, सीड से जर्मिनेशन के लिए कितना वक्त लगता है? तो इसके लिए आपको 10 से 20 दिन लग सकते हैं और इसको आप नॉर्मल जो सोइल है उसके अंदर ग्रो करें, सोइल के अंदर नमी बनाए रखें। नमी के लिए आप जो सोइल में पीट मॉस या कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। फिराज जी कहते हैं कितने दिन में लोटस का जर्मिनेशन होगा? तो आप उसको अगर अच्छे से घिसके लगाएंगे तो 7 से 10 दिन के अंदर वो जर्मिनेशन हो जानी चाहिए। तो दोस्तों आज के सवालों का जवाब हमने दे दिए हैं, कल नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।